नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। मोगा मक्खू रोड पर एक कार लकड़ियों से भरी ट्रॉली के साथ टकराई, दो की मौत, दो गंभीर घायल। गढ़शंकर के गांव गड़ी मंसोवाल में श्रद्धालुओं से भरी एक बस पलटी, एक दर्जन के करीब सवारियां हुई घायल। अमृतसर की सीआईए स्टाफ टीम ने एक नशा तस्कर को किया काबू, 2 किलो हेरोइन की बरामद। और अब हलचल विस्तार से। मोगा मक्खू रोड पर पड़ते गांव पीर मोहम्मद के नजदीक सुबह एक कार की लकड़ियों से भरी ट्रॉली के साथ भीषण टक्कर हो गई, जिस कारण दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु जीरा के सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत को नाजुक देखते हुए उन्हें फरीदकोट के मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक तरनतारन के कस्बा खालड़ा से चार व्यक्ति वैगनआर कार में सवार होकर लुधियाना जा रहे थे, जब वे मक्खू मोगा रोड पर स्थित गांव पीर मोहम्मद के नजदीक पहुंचे तो सड़क पर खराब हुई लकड़ियों से भरी ट्रॉली के साथ वैगनआर कार की टक्कर हो गई, जिसमें दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। गढ़शंकर के गांव गड़ी मंसोवाल में बस पलटने के कारण एक दर्जन के करीब सवारियां घायल हो जाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक श्रद्धालुओं से भरी मिनी बस गाँव रसूलपुर जिंडी जिला लुधियाना से श्री खुरालगढ़ साहिब में माथा टेकने जा रही थी, जब ये बस गड़ी मंसोवाल में उतराई पर उतरने लगी तो इसका संतुलन बिगड़ गया, जिस कारण वह पलट गई। बस पलटने के कारण एक दर्जन के करीब श्रद्धालु घायल हो गए। वही घटना की सूचना मिलने के बाद थाना गढ़शंकर के प्रभारी गुरिंदरजीत सिंह, पुलिस पार्टी सहित घटनास्थल पर पहुंच गए और स्वास्थ्य विभाग की टीम की मदद से घायलों को गढ़शंकर के सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया। इस मौके पर SHO गुरिंदरजीत सिंह ने कहा कि घायलों को सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया है और उनके घर वालों को सूचित किया जा रहा है। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। बल से बस आती थी खरागढ़ साहब जा रही थी, असं उन्होंने उपर रोकने की कोशिश की, रुकी नहीं है। फिर यकदम आके तराई के गढ़ी मानसा घाटी के पलट गई, सानू किसी मोटरसाइकिल वाले ने दस्या बस पलट गई, तो असी जद ही पिंड वाले इकट्ठे करके बंदे जख्मियों चक्या तो एंबूलेंस में हॉस्पिटल पहुंचाया। ਹਾਦਸਾ ਅਸੀਂ ਖਰਾਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਰਸੂਲਪੁਰ ਜੰਡੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਖਰਾਦਗੜ੍ਹ ਚੱਲੇ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ, ਜੇਠ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਜੇਠ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ। ਬਸ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਸ ਕੋਲੇ ਮੁੜ ਗਈ, ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਸੰਭਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਸੜਤੀ ਖਾਈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਪ ਨੀਚੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਖਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਮੋਗੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੀ, ਮੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਪਲਟਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਨੇਵਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਤਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के दिशा निर्देशों पर नशे के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत अमृतसर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब एक नशा तस्कर को काबू किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि अमृतसर पुलिस द्वारा सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 2 किलो हेरोइन भी बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान जसवीर सिंह उर्फ मोटा निवासी गांव ख्याला कला लोपोके अमृतसर देहात के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सीआईए स्टाफ टीम की ओर से उक्त आरोपी को राम तीर्थ रोड क्षेत्र से काबू किया गया है। फिलहाल आरोपी पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है।
अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। 2 किलो हीरोइन दे नाल एक ड्रग स्मगलर असी फड़िया है, ये जसबीर सिंह एलियस मल्ला, ये इहदा दूसरा छोटा नाम है मोटा, उर्फ जिन्हों कहिंदे आ पिंड ख्याल कलां लोपोके अमृतसर देहाती दा रहण वाला है। 21 साल की उम्र है और 12वीं पास है ये बंदा। नाल इहदे स्पलेंडर मोटरसाइकिल जितों ये बरामदगी हुई है वह भी फड़िया गया है। ये जिहड़ी मेन गल है ये मुकदमा तुहानूं एक दिन लेट असीं तां ही दस रहे भी इहदे 2 बंदे होर बहुत जरूरी साडे फड़न वाले रहिंदे आ जिन्हां दे नाम नहीं दसे जा रहे। और जो प्रिलिमिनरी पुछगिछ तो यह गल पता लगी है कि जिहड़ा ये जिहड़ा सारा कार्टल है बाहरों बैठ के चलाया जाए यूरोप दे विच इहदे लिंक जा रहे ने, उहदा भी मैं तुहानूं अजे जिक्र तां नहीं कर रहा बिकॉज़ उह फिर गल निकल जाती है। जीरा की पुरानी कचहरी के नज़दीक उस समय गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिला जब एक कार में जा रहे नौजवान को 6 से 7 नौजवानों द्वारा घेर कर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया गया जिस कारण उक्त नौजवान गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान युवक की कार को बुरी तरह से तोड़ दिया गया तो वहीं ये हमले की सारी घटना नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई जिसे लेकर पुलिस द्वारा अब उक्त नौजवानों की तलाश की जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिविल अस्पताल जीरा में उपचार अधीन अंश ने बताया कि वह अपने पैसे लेकर दुकान से जा रहा था जब वह पुरानी कचहरी के नजदीक भगत सिंह मार्केट में पहुंचा तो कुछ नौजवानों द्वारा उसकी कार को घेर कर उस पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया गया जिस कारण वह घायल हो गया। वहीं मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी सुखबीर सिंह ने बताया कि उनके पास सिविल अस्पताल से एक MLR आई है। उन्होंने बताया कि नौजवान के बयान दर्ज करने के लिए वे सिविल अस्पताल पहुंचे हैं, जल्द ही मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। मेरा नाम अंश कुमार है, मैं कल घरों पैसे पूसे लेके दुकान से जा रहा था तो थोड़ा बिच भगत सिंह मार्केट को 5-6 बंदे लोग मेरे से हमला किया गया। गड्डी भन्नी, मेरा फोन लै गए, मेरे गल चैन भाई जी चैन भी लै गए, बस गड्डी तो मेरे भी सट्टा मारियां। की वजह की सी? वजह बस कुछ नहीं, मिलने से लड़ी जाते थे, उन्होंने लगे कि मैं भी बिच शामिल हाँ कि भी लड़िया साढ़े ना। अज एक MLR प्राप्त हुई है, वो MLR के मुताबिक असी अंश कुमार के बयान लिख लिए, बयान मुताबिक जो भी कार्रवाई होगी करके दोषियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। हंसराज महिला महाविद्यालय में प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अजय सरीन के दिशा निर्देशों के अधीन फिएस्टा द ट्रेड फेयर 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर नीरू कपूर, जस्टिस रिटायर्ड NK सूद, चेयरमैन लोकल एडवाइजरी कमेटी डॉक्टर सुषमा चावला, डॉक्टर पवन गुप्ता, YK सूद, कुंदन लाल अग्रवाल उपस्थित रहे। प्राचार्य डॉक्टर अजय सरीन ने प्लांटर एवं उपहार भेंट कर गणमान्य सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने PG डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट को इस आयोजन के लिए बधाई दी। इस दौरान संगीत गायन विभाग की ओर से लोक गीतों का गुलदस्ता, डांस विभाग की ओर से भांगड़ा एवं गिद्धा टीम ने लोक नाच प्रस्तुत कर समागम को आनंदवर्धक बनाया। दोपहर के कार्यक्रम में फैशन शो का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि सुधीर ने अपने वक्तव्य में कॉलेज की प्रगति हेतु आशीष दिया। इस दौरान मॉडलिंग भी प्रस्तुत की गई। ट्रेड फेयर के दूसरे सत्र में रामकृष्ण गुप्ता मुख्य मेहमान के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर लोकल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य अशोक परूथी तथा उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद रही। सुप्रसिद्ध पंजाबी गायक मास्टर सलीम, कुलदीप संधू और प्रभगिल ने भी इस ट्रेड फेयर को अपने गीतों के माध्यम से मनोरंजक बनाया। रेडियो सिटी 91.1 FM से RJ सैंडी और RJ लवीना ने भी दर्शकों का मनोरंजन किया। समारोह के अंत में विभिन्न गेम्स और इवेंट्स के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। समस्त आनंद उत्सव का आयोजन एडवाइजर डॉक्टर सीमा मरवाहा, ओवरऑल इंचार्ज डॉक्टर संगीता अरोड़ा, सह अध्यक्ष डॉक्टर वीना अरोड़ा, ट्रेड फेयर अध्यक्ष मीनू कोहली, सह अध्यक्ष डॉक्टर सीमा खन्ना सहित ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के डॉक्टर आशमीन कौर, नवरूप, डॉक्टर अंजना भाटिया, गुरमीत सिंह, डॉक्टर श्वेता चौहान, डॉक्टर अंजना, डॉक्टर रमनीता सैनी, शारदा, बीनू गुप्ता तथा कुलजीत कौर द्वारा किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे, नमस्कार।
नमस्कार आदाब। मैं अज आया हुआ जी बहुत ही प्यारे बहुत ही मैं जिन्हें रिस्पैक्ट करता साढ़े मैम बैठे ने हंसराज महिला महाविद्यालय जलंधर साडा बड़ा प्यारा कॉलेज है और इतने पहला भी मैं मैम के दर्शन करता रहना पहला भी आता रहना अज भी आया मैं बड़ा चंगा लग रहा है अज बड़ा कुछ अच्छा देखने सुन मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हाँ मैम हमेशा प्यार देंगे ने अज भी बहुत सारा सारा प्यार मिले के बह गए कागजां ते लिखे सिरनामे रह गए कल्ले रह गए अक के बह गए कागजां ते लिखे नामे हंसराज महिला महाविद्यालय में आज ट्रेड फेयर कम फिएस्टा 2024 के मौके पर पधारे हुए सभी अतिथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की तरफ से एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसका ना केवल कि बच्चों को बल्कि मेरा ख्याल है कि पूरे जलंधर वासियों को हर साल इंतज़ार रहता है। इसमें ना केवल बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत सारे प्रयोजन किए जाते हैं बल्कि उनको रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ किस तरह से टैकल करना है इसमें हमारे पीजी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ रहता है। किस तरह हमें मार्केट में जाकर अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को जानकारी देनी है, अपनी क्लाइंटेज को कन्विंस करना है और किस तरह से स्टार्टअप शुरू करते वक्त किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किस तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है, इन सब के बारे में इस फेट में जानकारी दी जाती है। इसमें एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है कि जब आप मार्केट में अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अमृतसर के बटाला रोड टंडन नगर इलाके में देर रात दो नौजवानों द्वारा एक सैलून पर हमला करने का मामला सामने आया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए दुकानदार ने बताया कि वे इस जगह पर सैलून का काम करता है। दो नौजवान एक्टिवा पर सवार होकर आए और उन्होंने उसकी दुकान पर हमला कर दिया। दुकान पर काम करने वाले युवक ने बताया कि वह काफी देर तक दुकान के आसपास घूमते रहे और जब वे दुकान बंद करने लगे तो उनकी ओर से उन पर हमला कर दिया गया। उन्होंने बताया कि उक्त नौजवानों ने दुकान पर ईंटें पत्थर चलाकर काफी तोड़ फोड़ भी की। उन्होंने कहा कि वे उन्हें नहीं जानते। इसकी सूचना पुलिस अधिकारियों को दे दी गई है तो वहीं पुलिस अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की जा रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। दो मुंडे एक्टिवा इतने घूमते फिरते पे मैं सब्जी ले गया वैसे तो मैं उन्होंने मैं लगन नहीं दिया है कि कोई तार दे बेचे गया तो मैं वैसे मैं अपने मालक ने दसाया कि अर्जुन कुमार कि मैं कहा इदा इस तरह दो मुंडे घूमन एक्टिवा से तो मैं कहा चलो मैं कहा इदा ना शायद मैं लगता कोई तार दे बेचे गया तो मैं कहा शायद मैं लोग कर लिया आप
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਖਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ, ਨਾਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਮੇਰੇ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦੇ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਕੁਛ? ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪੀਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਨਾਲ ਘਰੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰੋਟੀ। पंजाबी फिल्म ब्लैकिया 2 की स्टारकास्ट गुरु नगरी अमृतसर में अपनी फिल्म की प्रमोशन करने के लिए पहुंची। इस मौके पर फिल्म की स्टारकास्ट ने सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होकर सरबत के भले की अरदास की और वाहेगुरु जी का शुक्राना अदा किया। इस मौके पर फिल्म के कलाकार देव खरोड़ और जपजी खेरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये बहुत ही बढ़िया फिल्म है और परिवार में बैठकर देखने वाली फिल्म है। ये पाकिस्तान और भारत के बंटवारे के समय की फिल्म है, जब बंटवारे के बाद लोग भारत आ जाते हैं और उन्हें ब्लैकिया का काम करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वे फिल्म की प्रमोशन के चलते गुरु घर में पहुंचे हैं और चढ़ती कला की अरदास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये फिल्म 8 मार्च को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है और वे सभी से अपील करते हैं कि वे इस फिल्म को जरूर देखें। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज वाहिगुरु दे गुरु दी नगरी आए हैं जी, श्री हरिमंदर साहब। साड़ी फिल्म आनी है 8 मार्च को ब्लैकिया 2। विवेक कोरी साहब, प्रोड्यूसर साहब, लक्की धालीवाल, जपजी खहरा जी, वो अंदर सेवा कर रहे हैं। सो साड़ी सारी टीम आई है और हमेशा कदे भी चंगे काम की शुरुआत जो असी करते हैं इतों वाहगुरु के दर तो आशीर्वाद लैके ही करते हैं असी, कि दुनिया का कोई भी इंसान है जो अपने किसी काम की अपनी चढ़त लई अरदास करना आता तो इस दर तो करके जाता और इस दर तो सब कुछ मिलता। अज असी जो भी हाँ, जिथे भी हाँ, असी फिल्म कर रहे हैं, सब इस गुरु के दर की बख्शिश है कि देव खरौड़ के जपजी खहरा आए हरिमंदर साहब। असी इस दर के मतलब असी कह सकते हैं कीड़े मकौड़े हैं, असी दर की धूल मिट्टी हैं, है ना। सो इतने असी आशीर्वाद लैन आए हैं। इदा क्या करो, ये ना क्या करो फलाना आर्टिस्ट आया जी इस दर के उत्ते, भी ये दर तो वड्डा कुछ नहीं है, सब तो वड्डा ये दर है। अमृतसर के गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह शहीदा साहिब में एक नौजवान रोजाना सेवा करने के लिए आता था। जब वह सेवा कर घर वापस जाने लगा तो एक गाड़ी चालक ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित के पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि उनका लड़का प्रतिदिन शहीदा साहिब गुरुद्वारा में सेवा करने के लिए जाता था और सारे सामान की देखभाल वही करता था। जब वह सेवा कर रात को वापस आने लगा तो कुछ शरारती तत्वों द्वारा उस पर गाड़ी चढ़ा दी गई और मौके से फरार हो गए, जिस कारण युवक की काफी हड्डियां टूट गई हैं और उसके मुंह का भी बुरा हाल हो गया है, जिसे गंभीरावस्था में अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। उन्होंने कहा कि इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है और 2 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। 1:20 का टाइम हैगा, गड्डी वाला आया, काली गड्डी हैगी, गड्डी वड्डी हैगी, ठोके चल गया, उत्तों की एडा बेशरम बंदा भी गड्डी उत्तों की लंघा गया वा, इन्हों ने भी बंदा ब्रेक ला ले, ब्रेक नहीं लाई सिर के उत्तों की दोनों टायर लंघाते भाजी उन्हें, तो बंदा इस टाइम अमरजीत हस्पताल के दाखिल, अमनदीप हस्पताल के दाखिल आ, साढ़े को वेलो गल भी नहीं होन रही, तो बंदा बिल्कुल मतलब कि बेहोशी की हालत में आ, एम्बुलेटर से पिया हुआ वा, सर वो शहीदा साहब रोज डेली जाते सेवा करते उ। अमृतसर के श्री दुर्गियाना मंदिर में माथा टेकने के पश्चात श्री गोविंद यात्रा सेवा संघ के 25 यात्रियों का जत्था आबू धाबी में श्री राम मंदिर के दर्शनों के लिए रवाना हुआ। इस दौरान श्री गोविंद यात्रा सेवा संघ के नेता और यात्रियों ने बताया कि आबू धाबी में पहला हिंदुओं का धार्मिक श्री राम मंदिर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, इसलिए यात्रियों के मन में बहुत चाहत थी कि वे आबू धाबी में बने श्री राम मंदिर के दर्शन करें, जिसके चलते 25 यात्रियों का जत्था आबू धाबी में श्री राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही वे कुछ दिन दुबई में रहेंगे और दुबई में अलग अलग धार्मिक स्थानों व अलग अलग पर्यटक स्थानों के दर्शन करने के बाद 7 मार्च को ये यात्रा भारत वापस लौटेगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम रजिंदर कुमार दत्ता जी, आप आबू धाबी दुबई दे यात्रा जा रहे हैं और पहली यात्रा रिंकू भाजी की जिहड़ी कि
ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਘੁਮਾਈ ਗਈ ਆ, ਨਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮੰਦਰ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋਤੀ ਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਰਮੇਸ਼ਰਮ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਆਨੰਦਮਈ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਆ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। अमृतसर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन अशोक तलवाड़ की ओर से नेहरू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पहुंचकर सड़क पर लोगों के लिए बने बाथरूम का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही नेहरू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बनी लिफ्ट का भी उद्घाटन किया गया। इस मौके पर अशोक तलवाड़ ने बताया कि सड़क पर पैदल चलने वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण ये नया बाथरूम बनाया गया है। इसके साथ ही बाथरूम की सफाई के लिए कर्मचारी भी रखे गए हैं और नेहरू शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तीसरी मंजिल तक जाने के लिए लिफ्ट भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जो जनता के साथ वायदे किए थे वे पूरे किए जाएंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। उद्घाटन किया जा रहा है, की कहना चाहते हो? मैं कह रहा कि पिछली सरकारा किनिया नकमिया सी तुसी इतों अंदाजा लगा सकते हो। इत्थे लारू सोड़ी सब तो हार्ट का चौंक हैगा, नेहरू कंपलैक्स मार्केट हैगी है। कोई लेडीज है, जेंट्स है, बजुर्ग है, किसी को बाथरूम आना है तो लोग, मैं जिस वे सीट पर बैठे आ दो तीन महीने महीने डेढ़ महीने बाद लोग ही मैं कह लग पे कि साढ़े बाजार से लोग ना कंधा तो पेशाब कर रहे हैं। बहुत दुख होया मैनू, मैं क्या वाकई। फिर मैं इतने जगह देखी कि आ बिल्कुल खंडर बनया पिया, अठ साल तो बंद हैगा, बिल्कुल बंद हैगा, किसी सरकार ने सुध नहीं ली। तो फिर मैं तैयार किया है कि आ तो प्राइमरी मेरा फर्ज बनता है, ड्यूटी हैगी है कोई भी व्यक्ति हो कि इनू, मैं सोचा कि इनू करना है। फिर मैं क्या ऐसा मैं तैयार कराँगा कि जिथे, मैं ठेकेदार ने भी कहा, स्टाफ मैंबर ने कहा, रवि जी एक्से नाल है कि जिथे मैं जा सकाँ, मेरी फैमिली जा सके, ऐसा बाथरूम मैं पब्लिक नू दवांगा। अच्छा सर, पेंट पेंट नहीं, पूरा ही रेनोवेट किया गया। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਐਸਾ ਬਾਥਰੂਮ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ 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 ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਹ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋਗੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰੂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ, 4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੂਰਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਡਰੇਨਿੰਗ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਿਫਟ ਅੱਜ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਮੇਨ ਲਿਫਟ ਵੀ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਪਈ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਆ ਇਹਦਾ ਪੇਂਟ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਲੀਅਮ ਦਾ ਪੇਂਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਟੈਕਚਰ ਟ੍ਰਿਲੀਅਮ ਦਾ ਪੇਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਣਗੇ, ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਲਗਵਾ ਰਹੇਗੇ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਰਹੇ। अमृतसर में श्री श्याम मित्र मंडल की ओर से चौक फव्वारा स्थित श्री मारवाड़ी मंदिर से श्री श्याम प्रभु जी की चतुर्थ मनोकामना पूर्ण भव्य पैदल निशान यात्रा निकाली गई। मंदिर से शुरू हुई करीब 13 किलोमीटर लंबी ये पैदल यात्रा शहर के अलग अलग चौकों से होते हुए श्री श्याम धाम मंदिर में आकर संपन्न हुई। इस अवसर पर मंदिर में पंडित महेशानंद शास्त्री जी ने श्री श्याम प्रभु जी का पूजन करवाकर पवित्र ज्योति प्रज्वलित की, जिसके बाद उपस्थित सैकड़ों श्रद्धालु, जिनमें पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे भी थे, श्री श्याम प्रभु का झंडा लेकर पैदल ही श्री श्याम धाम मंदिर की ओर चल पड़े। इनमें से अधिकतर नंगे पांव ही चल रहे थे, जबकि सभी ने राजस्थानी लुक वाली पगड़ी भी पहनी हुई थी। तो वहीं जय श्री श्याम जी के उद्घोष के बीच उमड़े श्रद्धालुओं के सैलाब की छवि देखते ही बनती थी, जबकि श्री श्याम प्रभु जी का अलौकिक स्वरूप भी उनमें श्रद्धा और भक्ति की उमंग का संचार कर रहा था। यात्रा के दौरान अनेक स्थानों पर भक्तों ने श्री श्याम जी का पूजन किया, वहीं भक्तों में प्रसाद भी वितरित किया गया। इस अवसर पर गोविंद बांसल ने कहा कि ये श्री श्याम मित्र मंडल की चतुर्थ पैदल निशान यात्रा है। इस यात्रा में शामिल होने पर सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। इस दौरान रमेश मित्तल, सुभाष मित्तल, गोविंद बांसल, विष्णु पोदार, अभिषेक खेमका, राहुल मित्तल, रजनीश मित्तल सहित भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਸਾਡਾ ਮੰਡਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਮਿੱਤਰ ਮੰਡਲ
पिछले 23 साल तो अमृतसर तो अमृतसर के खाटू श्याम जी का प्रचार प्रसार कर रहा है और पिछले 22 साल तो हर साल जागरण होता है ते पिछले 4 साल तो असी शोभा यात्रा जी भगतों की बहुत ज्यादा डिमांड से क्योंकि फागन के महीने खाटू के 50 लाख बंदा जरा अपना यात्रा संपूर्ण करता है जिदे घट्टो घट 5-7 लाख लोग झंडा लैके बाबा जी का दर्शन करते हैं उसे वेखद साढ़े तरफों एक कोशिश हुई जो कि पिछले 4 साल तो जी कर रहे हैं और इस चौथी यात्रा निकाली जा रही है जिदे भक्तगण पैदल यात्रा करते हैं बाबा जी का झंडा लैके और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शाम बाबा जी उदयपुर जूना अखाड़ा वाले सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में विशेष रूप से माथा टेकने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मां के पावन दरबार में माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया, जिन्हें मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल ने मां की चुनरी देकर सम्मानित कर स्वागत किया। इस मौके पर श्याम बाबा जी ने मंदिर कमेटी की प्रशंसा करते हुए कहा कि मंदिर कमेटी द्वारा भव्य सुंदर मंदिर बनाया गया है, जिसमें मां वैष्णो देवी की गुफा और मां का भव्य दरबार देखकर उनका मन गदगद हो उठा है। इस मौके पर श्रीकंठ जज मनीष शर्मा मनु भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय माता दी। मां भगत जी के दरबार विच देवी तला दे विच उदयपुर तो श्याम बाबा जी आए ने अज मत्था टेकन। उन्होंने आ के मां दे चरणा नतमस्तक होकर मत्था टेकिया ते परमिंदर बहल जी ने महाराणी के चरणा चरणा नू स्पर्श करा के मां का आशीर्वाद होया। मैं समूह सनातनी भरावां नू कहांगा अपने मंदिरां दे नाल जुड़ो, अपने परिवार अपने बच्चों मंदिरां नाल जोड़ के अपने सनातन धर्म की जय बुलाओ। जिदा उदयपुर तो मां के दरबार से श्याम बाबा जी मत्था टेकना है, तुसीं भी सारे अपने मां भगत जी के दरबार जाके देवी तला च मत्था टेकया करो। जय माता दी। मैं उदयपुर से आया हूँ, माता जी के चरणों में दर्शन करने के लिए आया हूँ। काफ़ी 30 साल के बाद आया हूँ यहाँ पे, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ के सभी से मैं अरदास करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप आओ और माता रानी के शरण में आओ और माता रानी के दर्शन का लाभ उठाओ। पहले आया था कुछ भी नहीं था, आज मुझे ये लग रहा है कि इस मंदिर के माता रानी का चमत्कार की वजह से और उन्होंने यहाँ पे जो इसका देखा भाली करी और जिसको इसका रूप दिया है वो आज मतलब मान के चलो कि जो अपन वैष्णो देवी जाते हैं उस प्रकार का यहाँ पे संगत का और का नज़ारा दिख रहा है और ऐसे मैं चाहता हूँ और माता रानी से अरदास भी करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ और हमारे गुरुदेव से भी करते हैं माता महारानी से भी कि जिन जो मस्जिद संभाल रहे हैं उनको सद्बुद्धि दे और उनके परिवार को सुख शांति दे और अच्छा तरक्की पिलावे। श्री कालिका धाम ज्योतिष विद्यालय में दिव्य ज्ञान दुख निवारण चंडी महायज्ञ किया गया, जिसमें मां महाकाली का दिव्य झूला लगाया गया। इस दौरान दूर दूर से भक्त आकर मां का पूजन एवं हवन यज्ञ में भाग लेकर कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं। इस मौके पर धाम के संस्थापक ज्योतिषाचार्य इंद्र देव बबलू पंडित ने बताया कि हर शनिवार को 6:30 बजे यज्ञ शुरू होता है। इंद्र देव बबलू पंडित ने सभी को कहा कि अच्छे कर्म करने से ही सब कुछ मिलेगा, दान अवश्य देना चाहिए पर सत्य असत्य पात्रों को देखकर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि छल कपट विषय काम क्रोध लोभ मोह से युक्त लोगों को दान ना दें, दान उन्हीं को दें जो दान लेकर उनका उपयोग सही तरीके से करें। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, पूर्व पार्षद रीटा शर्मा, सीनियर कांग्रेसी नेता सुभाष शर्मा ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर धाम के मुख्य सेवादार संजीव शर्मा कुकन, रोहित रणदेव, रणबीर राणा, देसराज शर्मा, हरप्रीत सिंह, साहिल गग्गू, विशाल गिल, अतुल कनौजिया, राकेश लक्की, अजय सिंह, हरिओम शास्त्री, संजय शास्त्री, पंकज शास्त्री, गीता प्रीति, कोमल, सोनिया रत्ना, शैली शर्मा, ईशा शर्मा, पूर्वी शर्मा, अंजू शर्मा, सोनू शर्मा, सृष्टि, संजय शर्मा, सुमित, बिनी, ज्योतिषाचार्य गौरव, गग्गू, साहिल, पंडित संजय, पंडित पंकज, पंडित हरिओम, पंडित सुशील सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय माता दी। दुख निवारण चंडी महायज्ञ कालिका धाम ज्योतिष में, जैसे आप सब जानते हैं, हर शनिवार को निरंतर चलता रहता है और जिसमें बहुत दूर से भक्त आकर महाकाली के चरणों में अपना आशीर्वाद गवाते हैं, यज्ञ करते हैं
प्रार्थना करते हैं और ये यज्ञ बिल्कुल ही निःशुल्क जन कल्याण की भावना से किया जाता है। महारानी को बहुत आशीर्वाद मिलता है, सबकी मनोकामनाएं माँ भगवती माँ चंडी पूर्ण करती है। तो आज इस शनिवार के माँ महाकाली माँ चंडी यज्ञ में सिद्ध शक्तिपीठ देवी तालाब मंदिर के कैशियर आदरणीय श्री पविंदर बहल जी अपने परिवार के साथ आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे हैं और साथ में ही काउंसलर रीटा शर्मा जी भी महारानी का आशीर्वाद लेने मुख्य यजमान के तौर पर बैठे और बहुत श्रद्धा से बड़े भाव से माँ चंडी का आवाहन भी किया है। हम प्रार्थना करते हैं, हम अरदास करते हैं आप सबका, सभी दर्शकों का भी, सब शहरवासियों का भी, माँ भगवती अपने चरणों का आशीर्वाद प्रदान करें। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस भजन संध्या में भजन गायकों ने गणेश वंदना के साथ भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद भजन गायक गौरी शंकर एंड पार्टी मकसूदा जालंधर वालों ने माता की भेंटों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राजस्थान से घनश्याम गुप्ता और नितिन ने विशेष तौर पर शिरकत कर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर की कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, अवतार गब्बी फाउंडर मेंबर सुदर्शन ज्योति, साधुराम कालिया, सेवादार मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, कपिल सहगल ने गायक कलाकारों को मंदिर का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई। इस भजन संध्या की शुरुआत गायकों द्वारा गणेश वंदना के साथ की गई, जिसके बाद भजन गायक अशोक सितारा एंड पार्टी ने मां की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर नरेंद्र सहजपाल, योगेश्वर शर्मा, अशोक सोबती, अवतार गब्बी, चंद्रमोहन ढिंगरा, दिनेश कुमार, विजय कौड़ा, अशोक शीतल, राजकुमार सहगल, संजीव साहनी, रमन ढल्ला, किरण कुमार, प्रवीण लक्की, गोवर्धन गोंधी, राजेंद्र कपूर, राजेश शर्मा, यश प्रभाकर, ब्रज प्रभाकर, सोहनलाल सारथी सहित मां भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर। फिर मोगा मखू रोड पर एक कार लकड़ियों से भरी ट्रॉली के साथ टकराई, दो की मौत, दो गंभीर घायल। गढ़शंकर के गांव गड़ी मंसोवाल में श्रद्धालुओं से भरी एक बस पलटी, एक दर्जन के करीब सवारियां हुई घायल। अमृतसर की सीआईए स्टाफ टीम ने एक नशा तस्कर को किया काबू, 2 किलो हेरोइन की बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।